सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। झंडे पधार चुके हैं, उनके सम्मान के लिए समस्त कमरतिया एक समूह बना के बोलिए झांसी धाम चंडा की जय। ये पहले पूरे इस हमारे बुंदेलखंड को वन खंड कहा जाता था और यहाँ पे ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है और हमारे श्री श्री 1008 श्री दानी बाबा सरकार जो ग्राम चंडौत में विराजमान है, बहुत ही सिद्ध पीठ है। वहाँ से हजारों लोग प्रतिवर्ष, वो आस्था का केंद्र इस क्षेत्र के, हजारों लोग जल लेके बेतवा नदी का दानी बाबा से सरीला सल्लेश्वर धाम जो स्वयं भी प्रकट मूर्ति है सरीला में शिव जी की, और श्रावण मास में इनका बहुत ही महत्व है तो लाखों लोग इस श्रावण मास में सरीला में कांवरिया पूरे क्षेत्र से आते हैं। उसी क्रम में आज ये अंतिम सोमवार में श्री दानी बाबा स्थान से जल लेके कांवरिया सरीला सल्लेश्वर धाम जा रहे हैं और उन कांवरियों का स्वागत करने के लिए दिल्ली से हमारी कुंवर रानी रजनी सिंह रमकुंडा महल सरीला, हमारे प्रधान जी जो वहाँ से, सभी लोग पैदल चल के भगवान भोलेनाथ के लिए जल लेके चढ़ाने जा रहे हैं और कांवरियों का स्वागत करने के लिए बम बम भोले के नारे लगाते जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, आए हुए हमें गांव वालों का प्यार और भगवान भोलेनाथ ने बुलाया हुआ है, इस हमारा सौभाग्य जो हम यहाँ तक आप कांवरियों का भगवान सबको भला करे, साथ में हमारा भी करे, बस यही और क्या चाहिए। कांवरियों का स्वागत हो। हमारे यहाँ दानी बाबा मंदिर में कांवरिया लोग सभी जनता मिलके वहाँ स्नान करती है, वो जल लेकर आती है। सल्लेश्वर महाराज शंकर भोले बाबा पर जल चढ़ाती हैं, जो सहयोग बनता है वहाँ हम लोग सहयोग करते हैं सभी लोगों का। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।